नचबलिए नौ टीआरपी के मामले में काफी अच्छा चल रहा है, तो वहीं ये शो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है। आपको बता दूं, सलमान खान जिस शो पे हाथ धर दे वो फ्लॉप हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस शो में बतौर एक्स कपल एंट्री करने वाली उर्वशी ढोलकिया और अनुज सचदेवा का सफर शो में खत्म हो चुका है, लेकिन उर्वशी ढोलकिया ने सलमान और उनके पूरे शो पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके एलिमिनेशन के होने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। दरअसल उनका कहना है कि एलिमिनेशन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने शो के फॉर्मेट पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उर्वशी ने बातचीत के दौरान कहा कि मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना बेहद पसंद है। अपनी बाउंड्री से आगे बढ़कर चीजों को करना हमेशा से ही मेरा पसंदीदा काम रहा है। अपने एक्स के साथ काम करना बेहद मुश्किल भरा रहा। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे शो का हिस्सा बनाने का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन शो का फॉर्मेट सही नहीं है। वोटिंग को लेकर क्लियर नहीं है, कई कपल को लेकर पक्षपात किया जा रहा है और हर किसी को वहां फेयर स्टेज नहीं दिया जाता। उर्वशी ने ये भी कहा, लगातार हम बेहतर कर रहे थे, हमारा अच्छा वोट बैंक रहा, इसके बावजूद हम एलिमिनेट हुए, ये देखकर वाकई धक्का लगा है। ये डांस शो है या पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट? उर्वशी ने इसके बाद ये तक कहा कि अगर वो हमें पॉपुलैरिटी के आधार पर जज कर रहे हैं तो ये मुश्किल है, क्योंकि 35 साल के काम के बाद हमें फैन बेस रिजल्ट नहीं मिला। उर्वशी ने नाराज होकर कहा, स्कोर बोर्ड कहाँ है जो ये दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, जबकि ये ऑडियंस वोट और जज के वोट के बाद स्कोर होता है कि अगर ये पूरा शो यंग कपल के लिए है तो हमें शो में बुलाया ही क्यों। उर्वशी ने मेकर्स पर नाराजगी दिखाते हुए ये भी कहा, अगर आप में शो में बुलाया है तो पक्षपात क्यों हो रहा है। बात उर्वशी ने सिर्फ यहाँ पर ही नहीं की, इसके बाद ये भी कहा कि ये मेरी इमेज का गलत यूज है, लेकिन ये पूरी तरह बेइज्जती करना है जो नाम मैंने इंडस्ट्री में हार्ड वर्क से कमाया है। अब इस केस में आगे क्या मोड़ आएगा ये देखना बाकी है। हालांकि अभी तक इस पर शो के मेकर्स या सलमान खान का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।